पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो में आई हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी नहीं किया कि वीडियो बनाओ, ये करो, तो मैंने सोचा आज बना। बैड एनर्जी मैंने आपको बताई, अब बैड एनर्जी बताऊँगी। बैड एनर्जी के लोग ऐसे होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो इतना खतरनाक ऑरा होता है, जो उनका पावर मतलब होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है, जैसे किसी इंसान पे डायरेक्ट अगर उसका इफेक्ट पड़ता है तो मतलब बहुत बुरा पड़ता है। मतलब बैड ऐसे होते हैं, सोच उनकी ऐसी होती है, जैसे अच्छा इंसान, अच्छा सोच वाला भी अगर उनके साथ में जाएगा तो वो भी सीधे घर आने के बाद, जैसे अपने घर में आएगा, अपने बच्चों या अपने जो परिवार फैमिली वाले हैं उन पर सीधे हावी होने लगेगा। तो मतलब यह है, जो लोग गलत बोलते हैं, गलत चलते हैं, गलत सोचते हैं, उनके साथ हमें जाने से ये असर होता है, हमारे दिमाग पे जो होता है वो गलत असर होता है, कि मतलब एकदम सोचने की, समझने की शक्ति जो होती है एकदम ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या करना है, लेकिन सीधे हावी होने का एक दिमाग पे असर होता है कि हावी होना है। तो चलिए बात करते हैं, आपको बताती हूँ आज एक गुड एनर्जी होता है, एक बैड एनर्जी होता है, आपको बताती हूँ मैं। और लेकिन आप लोगों के सामने कुछ मतलब बोलना, कुछ आपको बताना ये भी मेरा ज़रूरी है, कि मुझे किस टाइप के कमेंट आ रहे थे, किस टाइप के मतलब लोग बोल रहे थे, किस टाइप से लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो मैं आपको अब बताऊँगी। तो एक गुड एनर्जी, एक बैड एनर्जी होती है, आपको मैं सबसे पहले गुड एनर्जी बताऊँगी। गुड एनर्जी ऐसी होती है, जैसे हम किसी अच्छे लोगों के साथ जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाके जो उनकी सोच होती है, अगर हम उनकी संगत में जाते हैं तो हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा असर होता है। मतलब सोचते हैं कि मतलब उनकी तरह बहुत अच्छा फील होता है हमको, बोलने का तरीका, चलने का, मतलब हर चीज़ से मतलब उनकी संगति का असर होता है। ये तो हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जाते हैं, लोगों को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि सामने वाला मुस्कुरा के रहा है, सामने वाला हंस के रहा है, अपने को कितना ही बड़ा दुख हो लेकिन अपना दुख उनको नहीं दिखेगा, लेकिन सामने वाला हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है, इसकी आखिर इसके पीछे क्या खुशी मिली इसको, तो उसकी खुशी से ज़्यादा जलन है, अपने दुख से जलन नहीं है, अपने दुख से कोई मतलब नहीं जो दुख है, लेकिन जो दूसरा सामने वाला हंस रहा है उससे ज़्यादा तकलीफ है। तो ऐसे लोग होते हैं दोगले, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोग कभी भी किसी पे हावी हो सकते हैं, ऐसा हुआ है जित आज, तो ऐसा समय है आजकल, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे ना वही तुम्हारे लिए कुआ खोदता है। ठीक है, हम जितना दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं हमारे लिए होगा, हमने अच्छे काम किए हमारे लिए होगा, लेकिन नहीं होता है, वो हमें कहीं और मिलेगा, लेकिन वही जो सामने वाला जिसके लिए हमने क्या हमारे लिए क्या करता है वो तो पता चलता है, ऐसे होता है। आज वीडियो में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसमें कि कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग मुझे बहुत अलग अलग टाइप के कमेंट कर रहे थे, और कुछ लोगों ने मतलब कुछ लिखा था, तो इससे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो ब्लॉग नहीं बनाने का एक मेरा मेन रीज़न है कि मेरे ब्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे, एक दो व्यूज कुछ ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं बनाया, और ना ही किसी दोस्तों का मुझे कमेंट आया कि आप ब्लॉग बनाओ। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो मेन रीज़न यही है कि व्यूज नहीं आ रही हैं, और मतलब आप थोड़ा मोटिवेट करते तो थोड़ा लगता कि ब्लॉगिंग करूँ, ये करूँ, कोई किसी चीज़ में किसी भी वीडियो में आप मुझे कमेंट करते कि ये आपका वीडियो सही है, इस बारे में आप वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने वीडियो ब्लॉग कुछ नहीं बनाया था, बहुत दिन हो गए, काफ़ी एक दो हफ्ते से ऊपर हो गया है। ये लोग ना कहीं भी किसी पे भी हावी हो सकते हैं, और सावधान रहे ऐसे लोगों से जो दोगले किस्म के होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, ना अपनों के ना किसी के, लेकिन जो दोगले होते हैं बहुत भयानक होते हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना, ये लोग कभी भी किसी पे भी हावी हो सकते हैं। हम अच्छा बोलेंगे लेकिन उनको अच्छे का फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहना है, लेकिन हमें उनके साथ ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो यही हुआ था मेरे साथ, हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन जब हम किसी अच्छे के साथ जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक अच्छी सोच आती है, लेकिन हम एक नेगेटिव, एक जो गलत सोच जिसकी
बिल्कुल सोचने की क्षमता ही खत्म है, उसके साथ हम जाते हैं तो हम भी नेगेटिव विचारों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं जाना है, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग किसी के नहीं होते, ना अपनों के होते हैं ना किसी के होते हैं, और दोगले किस्म के लोग होते हैं।